बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY504 कोगनेटिव साइकोलॉजी का शॉर्ट लेक्चर नंबर 39 का आगाज़ करेंगे। तो लेक्चर नंबर जो 39 है वो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नॉलेज को लेकर ही स्टार्ट किया गया है। तो एप्लीकेशंस फॉर स्टडिंग, इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है इन द स्टार्टेड के सब्जेक्ट्स की मेमोरी इंप्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सब्जेक्ट्स मतलब ये जिन पे एक्सपेरिमेंट होता है, तो उनकी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए ना कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि वो लंबे लंबी लंबी लिस्टें ना या ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स याद रख सकें। ये मेथड या एप्लीकेशन स्टडी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब ये मेथड क्या है? सबसे पहले मेथड है मेथड ऑफ लूकी है, PPQ4R मेथड है, और एल्ब्रेट और स्पेसिंग इफेक्ट और इनकोडिंग वेरिएबिलिटी है। अगर मेथड ऑफ लूकी की बात करें, लूकी तो ये एक पुरानी मेमोनिक तकनीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक पुरानी मेमोनिक तकनीक है जो रिकॉल सिचुएशन में अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट करती है, मतलब कि अच्छी तरह से याद करवाने में ऑर्गेनाइज होती है, मदद करती है। इस तकनीक को कदीम दौर में स्पीचेस याद करने, मतलब कि तकरीर वगैरह याद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब नोट्स का इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब कि छोटे छोटे नोट्स या नोट पैड्स वगैरह अक्सर होते थे नोट याद रखने के लिए, वो तब नहीं होता था, तब ये मेथड ऑफ लूकी काम आता था उस दौर में। आज भी ये तकनीक यूज होती है। लुकी का मतलब होता है लोकेशन, मतलब कि जगह। लुकी का मतलब क्या होता है? लोकेशन मतलब कि जगह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तकनीक को यूज करने के लिए इंसान एक फैमिलियर एरिया, मतलब कि मिलता जुलता एरिया का तस्वर करे और कुछ फिक्स्ड जगहों को अपनी याददाश्त में रखे। उस रास्ते पर चलते हैं या उस रास्ते का तस्वर करते हैं, वो आइटम को इंफॉर्मेशन को याद करे। जिस जगह से तुम, जैसे कि तुम, अगर तुम्हारा घर स्कूल से करीब करीब है, स्कूल के रास्ते पे आता है, तो जगह पर एक आइटम को याद कर ले, ताकि याद करना स्टार्ट कर लो। जैसे कि तुम्हारे घर की गेट्स के पास एक आइटम होगा, फिर तुम्हारा रास्ते में दूसरी जगह पर दूसरा आइटम होगा। इस तरह जब तुम्हें याद करना और इनको चंकिंग के फॉर्म में बनाना रखोगे, तो फिर से क्या होगा कि रास्ता दिमाग में बैठ जाएगा और आइटम्स को रिकॉल कर सकोगे इजीली। इसी तरह आप स्टडी के मामले में भी किसी एक मिलती जुलती इंफॉर्मेशंस को आप लोकेट करो, देन इजीली यू कैन रिमेम्बर स्टूडेंट्स। उसके बाद है PQ4R मेथड। इसमें बताया गया कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो 6 फेजेस में चैप्टर स्टडी करने के तरीके में आती है। मतलब कि अगर आपको 6 फेजेस में, इसके 6 तरह के फेजेस होते हैं, और किसी भी चैप्टर को याद रखने के लिए, स्टडी करने के लिए ये 6 फेजेस बहुत अहम हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रीव्यू। चैप्टर के पहले सर्वे करो, खुद से आप सर्वे करो स्टूडेंट्स के सम के ताकि आप समझ में आ सके कि किस टॉपिक पे बात की जा रही है। सेक्शंस को आइडेंटिफाई करो जिनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो। फिर हर सेक्शन पर नेक्स्ट 4 स्टेप्स को अप्लाई करो। जैसे कि जब जब आप नई किताब स्टार्ट करते हो ना, तो उसे क्विकली एकदम से ना स्किम करो, मतलब कि पिक्चर या डायग्राम्स को देखो और सोचो कि क्या हो सकता है इसके अंदर, और टेबल ऑफ कंटेंट्स को स्टडी करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने को मिल सकती है। चैप्टर स्टार्ट करते वक्त हेडिंग्स को देखो, नजर डालो कि क्या क्या रफ आइडिया हो सकता है आपके माइंड में आ रहे हैं कंटेंट्स को देखो और चीज़ों के बारे में, तो ये आपकी स्टडी में काफ़ी मदद कर सकती है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चनिंग की बात करें या क्वेश्चंस की बात करें, तो सेक्शंस को टॉपिक के बारे में सवालात बनाओ, मतलब कि हर एक सेक्शंस के ना कोई कोई ना एक सवाल बनाओ कि मैं कितना जानता हूँ या कितना जानती हूँ। सेक्शन हेडिंग्स को सिंप्लीफाई करके सवालात में बदलना आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर आइकॉन, आइकॉन की हेडिंग का एक सवाल बनाओ कि आइकॉन क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। अटेंशन का सवाल बनाओ कि अटेंशन क्या, लिंक आइकॉन से कैसे होता है, इको और आइकॉन में फर्क क्या होता है। ऐसे तुम अपने आप से सवाल बनाकर खुद ही उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करो, देन यू कैन रिमेम्बर इजिली स्टूडेंट। उसके बाद है रीड। रीड की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया है कि अब सेक्शंस को आपने ध्यान से पढ़ना है और अपने बनाए गए सवालों का जवाब तलाश करना है कि क्या मेरे बनाए सवालों के जवाब हैं इसमें कि नहीं है।
जो सवाल तुम्हें पहले बनाए हुए थे उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब कि चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक, ताकि आपका इंटरेक्ट हो और इंटरेक्ट के बाद आपके एक्टिव प्रोसेस बन सके उस स्टडी को लेकर। उसके बाद रिफ्लेक्ट, इसमें कुछ हिस्सा से आप स्टूडेंट को बताया गया है कि जब तुम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हो ना, तो सोचो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल याद करो रेलिवेंट, और ये देखो कि ये मटेरियल तुम्हारे पहले नॉलेज से कैसे रिलेट हो सकता है, ये किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता है, इस मटेरियल को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सके तो अप्लाई करो। उसके बाद है नीचे आ जाते हम, हाँ उसके बाद है रिव्यू, रिव्यू की सॉरी रिसाइट रह गया था, तो रिसाइट में कुछ हिस्सा से आप स्टूडेंट को बताया गया है कि जब तुम एक सेक्शन खत्म कर लेते हो ना, तो कोशिश करो कि मतलब कि कोई भी स्टडी का सेक्शन आपने खत्म कर लिया, चैप्टर मुकम्मल कर लिया, तो कोशिश करो कि उसके सेक्शंस को कंटेंट को याद करो, तुम्हें जो सवालात बनाए थे ना उसके जवाब देने की कोशिश करो। अगर तुम पुरानी तरह से याद नहीं रख पा रहे तो वो हिस्सा दोबारा पढ़ो जिसमें जिसमें मुश्किल हो रही है आप स्टूडेंट्स को मेंटली सवालात के जवाब देते वक्त ना, कि टेक्स्ट को याद करो, देखो तुम कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिमाग में आसानी से आ रहा है, जो चीजें अभी तक याद नहीं है वो पा रही, उसे दोबारा देखो और याद करने की कोशिश करो। उसके बाद है रिव्यू, रिव्यू में कुछ स्टूडेंट्स आपको इस तरह से बताया गया है कि जब तुम चैप्टर मुकम्मल पढ़ लोगे ना, तो उसे मेंटली दोबारा याद करो और उसके पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करो। अगर आप सवालात को दोबारा जवाब देने की कोशिश करोगे, फिर टेक्स्ट का जायजा लोगे ना, तो फिर सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, या अगर नहीं भी मिलते तो ये भी पता चल जाएगा। देखो देखो कि ये क्या कोई इंपॉर्टेंट मालूमात याद रखने की जरूरत है कि नहीं, या ये भी आपको पता चल जाएगा। आपने नोट्स को टेक्स्ट के साथ कंपेयर करना है। इस मेथड की सक्सेस का एक रीजन ये भी होती है कि हर दफा मटेरियल को दोबारा पढ़ना स्पेस्ड स्टडी के जरिए होता है, जिसमें मटेरियल्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब चीजें पीके और आर टेक्निक का सेंट्रल फिगर क्वेश्चनिंग जनरेशन करती है ना, तो फिर क्या होता है कि क्वेश्चन आंसरिंग पॉसिबल होना शुरू हो जाती है। रिसर्च ना यही सजेस्ट करती है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है कि तकनीक का मटेरियल को ज्यादा गहराई से ना प्रोसेस करने पर ही आपको आसानी से मजबूर करती है याद रखने के लिए। उसके बाद है एलिब्रेशंस, मतलब के ये जो मेथड है ना PKO4R मेथड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इसको भी यूज करता हूँ हर दफा लेक्चर्स को बनाते हैं और हर दफा रूटीन में लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो एलिब्रेशंस में ये मेथड जो है ना वो बहुत ही करीब है, मतलब के PKO4R मेथड के करीब है। जब तुम PKO4R मेथड से मटेरियल पढ़ लो ना, तो इसे डिटेल में सोचो और एलिब्रेट करो, मतलब अपने लफ्जों में जाहिर करने की कोशिश करो, डायग्राम्स बनाओ, उन्हें मटेरियल्स के मुताबिक लेबल करो, मेंटल मैप्स बनाओ ताकि मीनिंग्स क्लियर हो और जो भी पता चले कि मटेरियल्स को दरमियान कोई लिंक्स इंटरकनेक्ट होता है तो उसको कनेक्ट करो। इसके बाद तुम PKO4R मेथड को दोबारा से यूज कर सकते हो। तुम मटेरियल अपने छोटे भी या बहन भाइयों के साथ, छोटे भाई या बहन भाई के साथ भी ना डिस्कस कर सकते हो जो कुछ आपने मटेरियल याद किया हुआ है। इस तरह तुम्हारी अपनी समझ में भी मजीद क्लियर हो जाती है, क्लियर आ जाती है। तुम मटेरियल अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी समझा सकते हो, उनसे अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। फिर तुम अपने जज्बात पर एक पैराग्राफ लिखो कि इस मटेरियल को समझकर मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है। रिसर्च से ये पता चलता है कि एलिब्रेशन का प्रोसेस ना याददाश्त को इम्प्रूव करता है। इन तीनों तरीकों से कौन कौन सा तरीका है, पहला है कनेक्शन टू प्योर नॉलेज और इमेजिन एंड इंटरफेस अबाउट द मटेरियल फीचर फ्रॉम द करंट कंटेक्स्ट। मैं इसकी डिटेल पे नहीं जाऊंगा, आगे चलते हैं इनकोडिंग की तरफ। अच्छा एक ही चीज मैं बता दूं, इसका मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ अपने वर्ड में। तो इसमें कुछ ऐसा से बताया कि टू बी रिमेम्बर्ड इंफॉर्मेशन के दरमियान ज्यादा कनेक्शन पैदा करता है। ये इंफॉर्मेशन को मतलब कि जब दूसरी जब आप कनेक्ट करते हो तो फिर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो इजिली, फिर याद रखने के प्रोसेस में भी आपको मददगार मिलती, मतलब कि आप जब करते हो एलिब्रेशन तो इसमें भी मददगार बनता ही है। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट का ज्यादा एलिमेंट्स पैदा करता है जो स्टडी और टेस्ट के दरमियान ओवरलैप करने से आपको बचाता है और सामने ओवरलैप भी नहीं होने देगा। उसके बाद है इनकोडिंग वेरिएबिलिटी, इसमें इस तरह से कुछ आप स्टूडेंट को बताया गया है कि ये एक तरीका है जिसमें कॉन्टेक्स्ट को मेमोरी पर असर होता है। जब आप मटेरियल को याद करते हैं ना, तो हर दफा का कॉन्टेक्स्ट उस मटेरियल का हिस्सा बन जाता है, मतलब ये कि
इसी वजह से अगर तुम सेम मटेरियल को मुख्तलिफ जगहों पर याद करोगे ना, तो जैसे कि एक दफा का एक कमरे में, फिर दूसरी दफा दूसरे कमरे में, तो तुम्हारी मेमोरी में भी अच्छी हो जाएगी इस रेलिवेंट मटेरियल को इनकोड करना, याद रखना। रिसर्च कहती है कि वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में, मतलब कि बहुत सी सिचुएशंस में जब हम मुख्तलिफ चीजों को अपनी मेमोरी के साथ कंपेयर करके उनको याद रखने की कोशिश करते हैं, तो देन हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, और साथ में हम मजीद अच्छी चीजों को याद भी रख सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिंग इफेक्ट। रिसर्चेस कहती हैं, सॉरी, स्पेसिंग इफेक्ट में कुछ हिस्सा से आपको स्टूडेंट्स को बताया गया कि पढ़ने और दोबारा पढ़ने के दरमियान ना जितना ज्यादा गैप होगा ना उतना अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमिडिएटली रिव्यू ना करो। रिव्यू करना लाजमी है, सबसे पहले मटेरियल को जल्दी से रिव्यू करो, फिर एग्जाम के करीब दोबारा पढ़ो। स्पेसिंग इफेक्ट एक बहुत ही पावरफुल फिनोमेना है जो बार बार जो बराबर से हर तरह का मटेरियल पर काम करता है। ये फ्री रिकॉल, क्यूड रिकॉल, सेंटेंस और टेक्स्ट मटेरियल को रिकॉल में दिखाई दिए गए दिखा दिया दिखाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह स्पेसिंग रिजल्ट टेक्स्ट बुक्स के मटेरियल में भी अप्लाई होता है, और स्पेस स्टडी के इफेक्ट बहुत लंबा होता है। उसके बाद है स्पीड रीडिंग। इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया, जैसा कि मैं आपको फट 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 10 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में फट 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 मैं आपको ना बोल के बता रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस की होती है उस लेक्चर को अच्छे से अपनी वर्डिंग में याद किया होता है, देन मैं आपको स्पीड रीडिंग के साथ ना उसको एलिब्रेट कर रहा होता हूँ। ये पी के ऑफ ओवरऑल मेथड को रिकोगनाइज करके, अपने माइंड में रिकॉल करके, देन इजिली आई कैन रिमेंबर। स्पीड रीडिंग रीडिंग में ना कुछ आप स्टूडेंट्स को इस तरह से बताया गया कि स्पीड रीडिंग तुम्हें जल्दी पढ़ने में मदद देती है, लेकिन बट मटेरियल, लेकिन मटेरियल को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती। मटेरियल को याद रखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स, तब ये आप स्पीड रीडिंग कर पाएंगे। अगर तुम सिर्फ स्टोरी से याद कर रहे हो ना तो स्पीड रीडिंग ठीक है, लेकिन अगर तुम कुछ नई नया सीखने हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो, या पोएट्री या लिटरेचर्स के अप्रिशिएट करना चाहते हो या उसको ये सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो स्पीड रीडिंग अच्छी तकनीक नहीं है। ये ना स्पीड रीडिंग एक ऐसा तब काम आती है जब आप बहुत जल्दी से, मतलब कि कोई एक एक फील्ड में उसको रीडिंग में प्रोसेस के दौरान गुजार लिया हो, तो इसलिए स्पीड रीडिंग का इस्तेमाल करते वक्त ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा हुआ तो देन आपके लिए चुटकियों का काम होगा। मैंने ये कोर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं स्पीड रीडिंग के मेथड के इस्तेमाल करते इजिली जो लेक्चर्स है वो 10 to 15 मिनट्स बिटवीन या 10 मिनट्स बिटवीन वो मैं बनाता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर करूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के प्रमोट करने से ही, आप स्टूडेंट के सपोर्ट करने से ही साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। इसके अलावा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपका पेपर आसान करे, आप सभी स्टूडेंट्स का जो 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 इस कोर्स में इनरोल्ड है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।